हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया अग्रवाल और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक इंजीनियर हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो बेहतरीन जॉब अपडेट्स के बारे में बताने जा रही हूँ, जहाँ ये दोनों ही कंपनी काफ़ी अच्छी है और इन दोनों ही कंपनी में काम करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, हमारी पहली जो जॉब अपडेट है वो है एनसिस की तरफ से। यस फ्रेंड्स, एनसिस के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। सो और अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है तो आपने इस पर जरूर काम किया होगा, कॉलेज में काम किया होगा। अगर आपने कहीं काम किया है, किसी कंपनी में काम किया है, तो आपने इस सॉफ्टवेयर को जरूर यूज किया होगा। सो फ्रेंड्स, देखिए ये जो जॉब है वो है R&D वेरिफिकेशन इंजीनियर के लिए। ये रहेगी आपकी जॉब प्रोफाइल और ये जॉब लोकेशन होगा वो होगा पुणे। सो ये जॉब जो है वो पुणे के लिए है। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है। तो देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो फ्रेंड्स, देखिए इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है मास्टर्स डिग्री इन मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग विद वन टू टू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, जब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने मास्टर्स कर रखा है। और अगर आपने केवल बैचलर्स डिग्री की है, आप अंडर ग्रेजुएट हैं, तो आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपको इस जॉब में अप्लाई करना है। सो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि ये बेसिकली जॉब है क्या, आपको इसमें करना क्या होगा। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर एक क्वालिटी इंजीनियर काम करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर आपको जो ज्योमेट्री है उसकी टेस्टिंग करनी होगी और जो एनसिस के प्रोडक्ट्स रहेंगे, जितने प्रोडक्ट्स एनसिस बनाती है, आपको उन सबकी टेस्टिंग करनी होगी। और आपको देखना होगा जो वो प्रोडक्ट्स हैं और कस्टमर उन्हें बाय कर रहे हैं, कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए हमें एंश्योर करना होगा प्रोडक्ट्स मीट्स कस्टमर नीड्स बोथ इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी एंड यूजेबिलिटी। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कंपनी कोई भी प्रोडक्ट जो बना रही है वो कस्टमर के काम आ भी रहा है या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो यही रहेगा आपका काम यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, आप काम किसके साथ करेंगे? आप प्रोडक्ट क्रिएशन टीम है जो उसके साथ काम करेंगे। यहाँ पर आप काम करने वाले प्रोडक्ट क्रिएशन टीम के साथ आप टेस्टिंग करेंगे प्रोडक्ट्स की, और जो भी फॉल्ट होगा, जो भी उसमें दिक्कतें होंगी, अगर वो कोई भी काम नहीं कर पा रहा है, तो आप वो सब बताएंगे टीम को और फिर उसकी क्वालिटी पर काम किया जाएगा, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है उन सबको हटाया जाएगा। और आपको टाइम टाइम पर सुपरविजन मिलता रहेगा और ज्योमेट्री टेस्टिंग कैसे करनी है। अगर आपको नहीं आता है तो जब आप जाएंगे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको एनसिस जैसी कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा और साथ ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है जो कि नॉर्मल किसी इंडस्ट्री में, किसी प्राइवेट जॉब में सीखने को नहीं मिल सकता। और यहाँ आप काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बात कर लेते हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। सो फ्रेंड्स, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्वालिटी से रिलेटेड ही रहने वाली है। तो आपको करना क्या है, कंपनी के जो भी क्वालिटी प्रोसीजर्स हैं आपको उन सभी का पालन करना है, जो भी प्रोसीजर है आपको उन सबको फॉलो करना है और उनके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। और फिर जो टेस्टिंग जो प्रोसीजर्स हैं आपको उनकी प्लानिंग करनी है, उन्हें इम्प्लीमेंट करना है, प्रोडक्ट को उन सबके थ्रू निकालना है और देखना है कि प्रोडक्ट आपको हर टेस्टिंग में अच्छा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, तो ये सब आपको देखना होगा। और जो भी है ना आपका न्यू प्रोडक्ट है उसके फीचर्स आए हैं तो आपको उन सब के लिए भी देखना होगा, अगर उसमें टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और है तो आपको टेस्ट डेवलप करने होंगे, किस टाइप के टेस्ट आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर करने हैं और कैसे आप उसके फीचर्स को है ना एनहेंस कर सकते हैं, तो आपको इस सब पर वर्क करना होगा। और जैसे कि कंपनी ने पहले से काफ़ी सारे टेस्ट है ना फिक्स कर रखे होंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स को किस टाइप के टेस्ट से निकालना है, तो ये सब पहले से फिक्स होगा। पर अगर वो टेस्ट अच्छे नहीं है, आपको कुछ मॉडिफाई करना है, तो ये भी आप करेंगे, आपको अपडेट्स करना होगा जो एग्जिस्टिंग टेस्ट है उन्हें अगर ज़रूरत है तो। फिर आपको जो भी आप टेस्ट करेंगे उन सबका आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, आपको लिखना होगा, आपको सब कुछ रिपोर्ट देनी होगी, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि टेस्ट केसेज है आपको उन सबको लिखना होगा, ये सब आपको करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर जो टेस्टिंग है वो ऑटोमेटिक टेस्टिंग हो रही है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग है, तो आपको उसके लिए टेस्ट स्क्रिप्ट लिखने होंगे, आपको पूरे के पूरे स्क्रिप्ट लिखने होंगे, आपको उन स्क्रिप्ट को मेंटेन करना होगा, ये बहुत ज़रूरी होगा, ये आपका काम रहेगा यहाँ पर। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको पर्सनल एप्लीकेशन रिग्रेशन परफॉर्मेंस टेस्ट है उन्हें भी आपको परफॉर्म करना होगा, और इन दी एंड एनालाइज टेस्ट रिजल्ट एंड इश्यू डिफेक्ट रिपोर्ट्स।
मतलब आपको जो टेस्ट के रिजल्ट्स हैं उन्हें एनालाइज करना होगा, यही सबसे मेन काम है। और साथ में जो डिफेक्ट आया है उन सबकी रिपोर्ट्स बनानी होगी और आगे भेजनी होगी, तो ये बहुत जरूरी काम है। एंड इसके साथ हमारा लास्ट पॉइंट है, परफॉर्म अदर असाइन टास्क डायरेक्टेड बाई सुपरवाइजर टू इम्प्रूव दी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एनसिस प्रोडक्ट्स। सो फ्रेंड्स, जो भी काम आपका सुपरवाइजर आपको देता है वो आपको काम यहाँ पर करने होंगे, तो यही है। और स्किल्स देख लेते हैं अब क्या क्या स्किल्स यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कैड और सीए टूल्स पर काम किया है, या तो इंडस्ट्री में या फिर एकेडमी में या फिर मतलब आपके कॉलेज में किसी ट्रेनिंग में इंटर्नशिप में कहीं भी आपने टूल्स को यूज किया है, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके जो चांसेस है इस कंपनी में सिलेक्शन के वो बढ़ जाएंगे। तो आप इस चीज़ को रेज्यूमे में लिखना मत भूलिएगा, अगर आपने काम किया है, कितना काम किया है, कितना आपके पास एक्सपीरियंस है, किस लेवल पर हैं आप, ये सब आप अपने रेज्यूमे में जरूर लिखिएगा। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है इन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो आप अपने रेज्यूमे में ये सब चीज़ें जरूर ऐड कीजिएगा। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, जो सॉफ्टवेयर है जो उसके आपको डिटेल्स पर क्वालिटी पर आपको ध्यान देना है, आपका एक अटेंशन होना चाहिए उस प्रोडक्ट, उस जो एनसिस का प्रोडक्ट है उसकी तरह। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, एबिलिटी टू एस्टेब्लिश गुड वर्किंग रिलेशनशिप्स। यस फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखें। अगर आपके रिलेशनशिप वीक होंगे तो आप ज़्यादा देर तक वहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे और वो काफ़ी बुरा रहेगा। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको हर डिपार्टमेंट के साथ एक अच्छा तालमेल बना के चलना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यही है ये पॉइंट, आपको एक गुड रिलेशनशिप बनाना होगा डेवलपमेंट, टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस और जो सपोर्ट स्टाफ है उन सब के साथ आपको एक अच्छा रिलेशन बनाना ही होगा। और फ्रेंड्स, आपको स्किल्स होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए, प्लानिंग स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए, आपको यहाँ पर टेस्टिंग करनी होगी, टेस्ट की प्लानिंग करनी होगी, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको रिटेन और ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये दोनों स्किल्स आपके अच्छी होने चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, आप टेस्ट के स्क्रिप्ट लिखेंगे, जो टेस्ट की रिपोर्ट होंगी उन्हें भी लिखेंगे आप और उन्हें आप आगे भेजेंगे, तो आपकी रिटेन स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही आप अपनी टीम को बताएंगे भी कुछ ना कुछ और, तो इसलिए आपकी ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हमारा लास्ट पॉइंट है वो डेमोस्ट्रेटेड नॉलेज ऑफ विंडोज लिनक्स सिस्टम्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो फ्रेंड्स, अगर आपको विंडोज़ की, लिनक्स सिस्टम की और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, ये डिजायरेबल रहेगा इस जॉब के लिए, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, अब इसकी लिंक की बात है, जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसमें अप्लाई कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे और जानते हैं हमारी दूसरी जॉब की ओपनिंग के बारे में, जो कि है एरोस्पेस कॉलेज एरोस्पेस की तरफ से, और ये भी एक काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आपको एक एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं, अब आपको करना क्या है, आपको इसकी वेबसाइट खोल लेनी है कॉलेज एरोस्पेस की, और फिर आपको काम फिर आपको जाना है कैरियर्स की तरफ। और मीन्स मैं इसके लिंक आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ से चले जाइएगा। फ्रेंड्स, ये लोड हो रहा है, अब देखिए आपको क्लिक क्या करना है, आप ऐसा एक पेज आपके सामने आ जाएगा, उसके बाद आपको क्लिक करना है सर्च जॉब्स पर। और सर्च जॉब पर आते ही जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ की जॉब आपको सर्च कर लेनी है। बेसिकली आप इंडिया के ही होंगे, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, तो फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है, आपको जो जॉब लोकेशन है उसमें डालना है इंडिया। ये चैट बॉट भी काफ़ी हेल्पफुल है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। सो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की देख रहे थे यहाँ पर 250 वैकेंसीज है इंडिया के लिए। सो देखते हैं, इंडिया पर क्लिक करते हैं, फिर देखते हैं हम क्या क्या वैकेंसी है। सो फिर सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है फ्रेशर्स के लिए जॉब। आपको हमने इंडिया पर पहले क्लिक किया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से मोस्ट रिसेंट पर जॉब क्लिक कर लेना। इससे क्या होगा, जो रिसेंट जॉब अपडेट्स होंगी, जो कंपनी ने जो रिसेंट में जो जॉब अपडेट्स डाली हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो पहले हम बात करते हैं फ्रेशर्स की। तो फ्रेंड्स, फ्रेशर्स के लिए ये आई है जॉब अपडेट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक साल तक का एक्सपीरियंस है जब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली डिफरेंस क्या रहता है, अगर आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो कंपनी आपको अपने हिसाब से एक सैलरी देगी,
और अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, तो ये काफी अच्छा है। अगर आपको टेक्निकल राइटिंग आती है तो ये बेसिकली राइटिंग वाली जॉब है, आपको टेक्निकल राइटिंग करनी होगी, तो अगर आपको ये आता है पहले से थोड़ा एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट साबित होगा। तो फ्रेंड्स पहले देख लेते हैं कि इसमें आपको चाहिए क्या क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको कंपोनेंट मेंटेनेंस मैनुअल्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल्स और वायरिंग डायग्राम मैनुअल्स को क्रिएट करना आता है ना, लिखना आता है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट होगा। सो जो एयरक्राफ्ट कंपोनेंट है, सिस्टम है, उन सब के लिए अगर आपको ये क्रिएट करना आता है तो ये काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। और इसके साथ ही अगर आपके पास जो टेक्निकल पब्लिकेशंस होते हैं, पेपर होते हैं, आपने वो पढ़े हैं, एरोस्पेस के लेवल के पढ़े हैं, एरोस्पेस स्टैंडर्ड्स के पढ़े हैं आपने, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपको उनकी नॉलेज है तो ये काफ़ी अच्छा होगा। इसके साथ ही आपको असेंबली डिसेंबली रिपेयर प्रोसीजर्स को लिखना आता है तो ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए। और अगर आपको टूल्स की नॉलेज है, जैसे कि एडोब फ्रेम मेकर है, आर्बर टेक्स्ट एडिटर, एमएस ऑफिस, इन सब पर आपने काम किया है, इन सब की आपकी नॉलेज है, तो ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए, आप इस जॉब के लिए ज़्यादा डिजायरेबल हो जाएंगे। फिर ऐसे ही आपने जो इलस्ट्रेशन टूल्स हैं, आईएसओ ड्रॉ, टेक, इलस्ट्रेटर, इन सब पर भी आपने काम किया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके लिए काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट होगा, आप फिर इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आपको इसकी नॉलेज है तो। इसके साथ ही अगर आपको टेक्निकल इंग्लिश जो होती है, सिंप्लीफाइड इंग्लिश स्टैंडर्ड, ASDSTE 100, इसकी नॉलेज है, इस पर आपने काम किया है, लिखा है कुछ इस लैंग्वेज में, इस इंग्लिश में, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा, आप काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट होने वाले हैं, और फिर आप आराम से इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हैं उन्हें समझना आता है, आप अच्छे से इंटरप्रेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। इसके साथ ही आपको S1000D की नॉलेज है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस होगा, तो आप ये देख लीजिएगा। अगर आपको इन सब में से कुछ भी आता है तो आप अपने रेज्यूमे में ज़रूर लिखिएगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और ये आपके लिए सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं प्लस पॉइंट साबित होने वाले हैं, आप डिजायरेबल कैंडिडेट्स बन जाएंगे। तो फिर अब हम चलते हैं आगे और आप देखते हैं कि आपको बेनिफिट्स से क्या मिलने वाले हैं अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको इंश्योरेंस मिलने वाले हैं, आपको ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, साथ ही ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये तीन आपको इंश्योरेंस मिलने वाले हैं। साथ ही आप 22 दिन की वैकेशन पे जा सकते हैं, आपको 22 डेज का वैकेशन मिल सकता है, साथ ही आपको 7 दिन की आकस्मिक लीव जो होती है, एकदम से अगर आपको छुट्टी लेना चाहते हैं तो आप 7 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। तो आप देखिए, आपको एक साल में लगभग एक महीने की जो छुट्टी मिल गई, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा पर्क है, काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। साथ ही इन्होंने एम्प्लॉय स्कॉलर प्रोग्राम भी दे रखा है, जो अगर ये आपको स्कॉलरशिप भी देंगे अगर आपको सीखना चाहते हैं तो ये इसमें भी आपकी हेल्प करेंगे, तो काफ़ी अच्छा है। ऐसी ये आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो होगा इस कंपनी में काम करने में काफ़ी अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि आप पूरे टाइम काम ही कर रहे हैं, आप पर बहुत ज़्यादा लोड है, नहीं, आप काम भी कर पाएंगे और अपना जो पर्सनल लाइफ है उसे भी बैलेंस कर पाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा और प्लस पॉइंट है, ये हर जगह होना चाहिए। नॉर्मली लोग इसे इग्नोर करते हैं पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी आपके इन कंपनी आपको कार लीज प्रोग्राम भी दे रही है, साथ में नेशनल पेंशन स्कीम भी दे रही है, LTA भी है, साथ में फ्यूल एंड मेंटेनेंस एंड ड्राइवर वेजेस। तो फिर अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो उसका फ्यूल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, और अगर आपने ड्राइवर रख रखा है तो उसके भी जो वेजेस हैं वो आपको ये कंपनी दे देगी, तो ये काफ़ी अच्छा है। और साथ में ये मील वाउचर भी देती है, मतलब कि आपका खाने का खर्चा ही बच गया। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स है जो कंपनी दे रही है, तो आई थिंक कोई नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं, और आपको अप्लाई करना ही चाहिए इस जॉब के लिए जब ये कंपनी आपको इतने सारे बेनिफिट्स दे रही है, तो ये काफ़ी अच्छा है। सो फ्रेंड्स देखिए, नथिंग मैटर्स मोर टू कॉलेज एयरोस्पेस देन आर स्ट्रॉन्ग एथिकल एंड सेफ्टी कमिटमेंट्स, ये काफ़ी अच्छे सेफ्टी कमिटमेंट दे रही है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और साथ ही फ्रेंड्स ये सब चीज़ें हैं जो पहले होंगी और फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने बेनिफिट्स तो देख ही लिए, काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा। और अप्लाई करने की लिंक और इसकी पेज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, ये जो जॉब है ये बेंगलोर के लिए है, इसके जितने भी जॉब्स हैं इस कंपनी के ये सारे बेंगलोर के लिए हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो और जो वैकेंसी है इंडिया की और कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया पे क्लिक किया और क्लिक किया मोस्ट रिसेंट की, तो मोस्ट रिसेंट में जो वैकेंसीज आई है वो है लीड इंजीनियर की। तो हम देख लेते हैं लीड इंजीनियर में क्या रहने वाला है।
सो फ्रेंड्स आप लीड एज ए लीड इंजीनियर भी अप्लाई कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी है ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी एज ए लीड इंजीनियर. और जो आपकी क्वालिफिकेशन जो एज ए लीड इंजीनियर चाहिए वो देखिए, ये सारे आपके क्वालिफिकेशन है जो आपको चाहिए एज ए लीड इंजीनियर. इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ लीड इंजीनियर इन दिस कंपनी देन यू मस्ट मीट ऑल दीज बेसिक क्वालिफिकेशन. अब देख लेते हैं इसमें एक्सपीरियंस क्या चाहिए. तो फ्रेंड्स देखिए, आपको कम से कम आपके पास कम से कम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, साथ में 3 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए. और अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपके पास कम से कम 7 साल का रेलेवेंस एक्सपीरियंस होना ही चाहिए. अब देख लेते हैं बाकी वैकेंसीज को. इंडिया एंड मोस्ट रिसेंट फ्रेंड्स देखिए, बाकी जो यहाँ पे है वैकेंसी काफी अच्छी है. आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं, काफी अच्छी अच्छी वैकेंसी है. फ्रेंड्स देखिए, एसोसिएट इंजीनियर की वैकेंसी भी काफी अच्छी है, इसमें आपको चाहे ज्यादा एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है. तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है. आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर एनालिसिस जो एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स हैं, असेंबली जैसे सिस्टम है, उन सबका आपको ना परफॉर्म करना होगा. और अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपके पास बैचलर्स होना चाहिए या मास्टर्स होना चाहिए मैकेनिकल या एरोस्पेस इंजीनियरिंग में. और साथ ही में आपके पास 1 से 3 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए. ये बहुत जरूरी है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो. तो ये फ्रेंड्स, ये जॉब भी काफ़ी अच्छी, क्योंकि बस आपको 1 ही साल का एक्सपीरियंस मांगा है, कम से कम 1 साल का. तो ये काफ़ी अच्छा है, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं. इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी. और ये सभी वही सेम बेनिफिट्स हैं जो ये कंपनी देने वाली है. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये जॉब अपडेट अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जॉब के बारे में पता लग सके और वो इस जॉब का बेनिफिट उठा सके. और फ्रेंड्स, आप अब तक मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके लिए थैंक यू. बाय बाय.